इंडिया टीवी, आपकी आवाज। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर 1600 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। यह घोटाला क्या है और कैसे हुआ, इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कई दस्तावेज सामने रखे थे। सवाल उठता है कि सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों में दम कितना है। इसकी पूरी तहकीकात आज हमने की, तो देखिए मनीष झा और मनीष प्रसाद की रिपोर्ट। ₹76% ओनरशिप है सोनिया गांधी और उसके उनके बेटा राहुल गांधी का। सारा कंपनी 90 करोड़ के सहित यंग इंडियन को दे देंगे। ये जरूर बहुत बड़ा घोटाला है, AICC ने किया। इनकी मान्यता समाप्त की जा सकती है। इससे क्या मतलब है, तुम विचार करते रहो जन्म भर, मुझे क्या है। तुम्हें हिम्मत है तो कोर्ट में केस डालो। सुब्रमण्यम स्वामी ने कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। इन आरोपों में कितना दम है, इसकी पड़ताल के लिए इंडिया टीवी की दो टीमें निकली। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष झा कंपनी मामलों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील ML लाहौटी से मिले। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कुछ आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उनके नाम से एक कंपनी है जो बिजनेस कर रही है। आखिर क्या वो कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए इस समय हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील लाहौटी साहब मौजूद हैं। लाहौटी ने सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से पेश दस्तावेजों की जांच की और बताया कि स्वामी के आरोपों में कितना दम है। कानून ये है कि उनको अपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए वो उनको उचित नहीं रहता, मॉरल और लीगल दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है और खासकर ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के लिए। दूसरी तरफ रिपोर्टर मनीष प्रसाद दिल्ली के हेराल्ड हाउस पहुंचे। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठाया और कहा कि ये हेराल्ड हाउस जिसकी कीमत करीबन 1600 करोड़ रुपए है, इसमें राहुल गांधी के शेयर्स हैं। यही नहीं बल्कि 2009 में जब राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को अपना ब्यौरा दिया तो उसमें ये नहीं बताया कि वो इस हेराल्ड हाउस में शेयर होल्डर हैं। यही नहीं बल्कि आज के टाइम पर इस हेराल्ड हाउस की कीमत करीबन 1600 करोड़ रुपए है। इसमें कौमी आवाज़ और नेशनल हेराल्ड नाम के न्यूज़पेपर चला करते थे। स्वामी के मुताबिक ये सौदा पूरी तरीके से गलत है। अब हम शुरू करते हैं राहुल और सोनिया गांधी पर लगे सुब्रमण्यम स्वामी के एक एक आरोप की पड़ताल। स्वामी का पहला आरोप। स्वामी का इल्जाम है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने गैर कानूनी तरीके से 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल की। 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो पाया है ये सारा फ्रॉड के जरिए से किया, क्योंकि 108 सेक्शन 108 के अनुसार कई पहलुओं को पार करने के बाद ही इस तरीके के ट्रांसफर हो सकती है। स्वामी ने जिस बिल्डिंग की बात की वो यही है, दिल्ली का हेराल्ड हाउस जो पहले एसोसिएटेड जर्नल्स कंपनी के तहत था। इस कंपनी की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये कंपनी अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड और उर्दू अखबार कौमी एकता छापती थी। आरोप यह है कि 1938 में श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक ट्रस्ट बनाया, एक कंपनी बनाया और उस कंपनी का उद्देश्य था कि दो अखबार निकालेंगे, एक अंग्रेजी में और एक उर्दू में, और हिंदी में था नवजीवन, बीच में रुक गया मेरे ख्याल में, लिए आंदोलन के लिए सहायक होगा इस दृष्टि से उन्होंने बनाया था। 1947 में हम स्वाधीन हुए और उसके बाद सरकार ने बहादुर शाह जफर मार्ग में नेशनल हेराल्ड के लिए और कौमी आवाज के लिए और नवजीवन के लिए उन्होंने बड़ा जमीन दिया, जिसमें उन्होंने पब्लिक कंट्रीब्यूशन से बड़ी बिल्डिंग बनाई। स्वामी का दावा है कि नेशनल हेराल्ड पर कर्ज हो गया। कर्ज उतारने के लिए AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने उसे बिना गारंटी करीब 90 करोड़ का कर्ज दिया। हम आपको बता दें कि AICC कांग्रेस की सबसे ताकतवर संस्था है और सोनिया गांधी इसकी सर्वे सर्वा है।
स्वामी का आरोप है कि कर्ज में डूबी नेशनल हेराल्ड को बारने के बदले एसोसिएटेड जर्नल्स कंपनी को यंग इंडियन कंपनी के हाथों में दे दिया गया, जिसकी 3/4 शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। एक कंपनी नया बना हुआ जिसमें 76% ओनरशिप है सोनिया गांधी और उनके बेटा राहुल गांधी का, यंग इंडियन नाम से, जिसका काम है कि हमारे युवकों को सेक्युलरिज्म सिखाना है, जो समाचार छापने या समाचार पत्रों को छापने का कोई इरादा नहीं है। इस बहाना से कि हमें कर्जा हम नहीं दे सकते, ये कर्जा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से हमने लिया है और इसीलिए 50 लाख रुपए सिर्फ मुझे हमें यंग इंडियन दे दें तो हम सारा कंपनी 90 करोड़ के सहित यंग इंडियन को दे देंगे। कॉर्पोरेट मामलों के जानकार एमएल लोहाटी के सामने हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पर जाकर ये पता लगाया कि यंग इंडियन नाम की कोई कंपनी है। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के सेक्शन में जाने के बाद हम देखते हैं कि सेक्शन 25 के तहत जो है उसमें कौन कौन सी कंपनी के नाम दर्ज हैं। अब इसमें जो सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि यंग इंडियन नाम की कंपनी है, जब हम कंट्रोल एफ करके यंग इंडियन कंपनी को फाइंड करते हैं तो ये आप देखिए ये नाम है सर, यहाँ पर एक नाम दिखाई दे रहा है 2350, ये नंबरिंग है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना या नहीं कहने से मतलब नहीं है, ये स्पष्ट है आरओसी की वेबसाइट में कि 2350 सीरियल नंबर में जो कंपनी है उसका नाम है यंग इंडियन और ये एग्जिस्टिंग कंपनी है क्योंकि इसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर दी हुई है। कंपनी सही है, यानी स्वामी के आरोप पर एमएल लोहाटी ने मोहर लगा दी। अब इस आरोप की पड़ताल करनी थी कि क्या एसोसिएटेड जर्नल्स को 90 करोड़ रुपए का कर्ज मिला। सीरियल नंबर 11 में सीरियल नोट ऑन अकाउंट्स है उसके अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 90 करोड़ 21 लाख का कुछ और भी कुछ अमाउंट है, वो अमाउंट कैसे ट्रांसफर हुआ है और कितने रुपए के 10 रुपए के शेयर के अंदर 9 करोड़ शेयर इशू किए गए हैं और चूंकि फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं थी इसको किसी तरीके से उन लोगों ने न्यूट्रलाइज किया हुआ है। इसमें जिस कंपनी का नाम आ रहा है उसका द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। अगली पड़ताल यंग इंडियन कंपनी के शेयर धारकों को लेकर हुई, क्या यंग इंडियन कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के शेयर हैं? कि मैनेजमेंट पर्सनल जो है या मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स एंड फाउंडर्स मेंबर है उनमें पहला नाम सोनिया गांधी का है, दूसरा नाम राहुल गांधी का, तीसरा मोतीलाल वोहरा, चौथा ऑस्कर फर्नांडिस, पांचवा सुमन दुबे और अंतिम छठा नाम है सत्यन जी पितोद्रा। एमएल लाहोटी ने अब इनमें से किसकी कितनी हिस्सेदारी है ये भी साफ कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि सोनिया और राहुल गांधी 76% के हिस्सेदार हैं। क्या ये सच है? लाहोटी ने कहा दस्तावेज इसकी पुष्टि करते हैं। इंडिया टीवी की तहकीकात। एक कंपनी नया बना हुआ जिसमें 76% ओनरशिप है सोनिया गांधी और उनके बेटा राहुल गांधी का। मिसेस सोनिया गांधी 10 जनपद के 1900 शेयर हैं, राहुल गांधी 12 तुगलक लेन के 1900 शेयर हैं, मोतीलाल वोहरा के 33 लोधी स्टेट के 600 शेयर हैं और ऑस्कर फर्नांडिस के 8 पंडित पंत मार्ग पे 600 शेयर हैं। इस हिसाब से टोटल 5000 शेयर हैं। इसी वजह से 38% इन दोनों के नाम से है। स्वामी का दूसरा आरोप। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी ने कंपनी की मीटिंग अपने सरकारी घर 10 जनपद पर की, क्या ऐसा करना सही है? लाहोटी ने कहा ये गलत है। इंडिया टीवी की तहकीकात। यंग इंडियन ने फिर उसके बाद क्या किया, सोनिया गांधी के घर में मीटिंग की, उसमें उसके बाद उन्होंने उसको किराए में देने के लिए फैसला किया है। जो पब्लिक ऑफिसेस हेल्ड करते हैं कानून ये है कि उनको अपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए वो उनको उचित नहीं रहता, मॉरल और लीगल दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है और खासकर ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के लिए। स्वामी का तीसरा आरोप।
सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि अखबार निकालने के लिए बनी बिल्डिंग को किराए पर चढ़ाकर यंग इंडियन ने मुनाफा कमाया। लाहोटी ने कहा ये फ्रॉड है। इंडिया टीवी की तहकीकात। दो मंजिल में उन्होंने सरकार से पासपोर्ट सेवा केंद्र के नाम से उन्होंने किराए में दिया है, जो मैंने सुना है कि 30 लाख प्रति मास है। स्वामी के आरोपों पर सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस ने कहा स्वामी आरोप साबित करें। स्वामी ने कहा ऐसा कहने वाले कानून नहीं जानते। वहीं बीजेपी ने पूछा एक पार्टी ने 90 करोड़ का कर्ज दिया क्यों। Person who raised the allegation should prove it. Now they are demanding that you prove it. You go to the court. This is always the style of Swami. तो तुम्हारे कुछ हिम्मत है तो कोर्ट में जाओ, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कोर्ट में क्या होता है। इसको पता नहीं है, ये तो कानून, ये तो कॉलेज पास नहीं किया ना, इसको पता ही नहीं है कि आज जो कानून बदल गए, मनहानी का जो कानून है वो बदल गई है कि आप पब्लिक पर्सन हैं तो आपको सिद्ध करना होगा जो मैंने बोला वो सही नहीं है। क्या ये 90 करोड़ रुपया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से टैक्स एग्जेम्पशंस के नाम पर इकट्ठा हुआ और एक कमर्शियल एंटिटी को ट्रांसफर कर दिया गया, क्या ये सच है? सुब्रमण्यम स्वामी पर कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। आज कांग्रेस के नेता और जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने सुब्रमण्यम स्वामी को बिगड़ैल जीनियस कह डाला। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जो है एक ऐसे पॉलिटिकल फ्रीलांसर हैं जो कब क्या कहें, और मैं तो उनको एक प्रकार का स्पॉइल्ड जीनियस मानता हूँ। इंडिया टीवी आपकी आवाज।